Today we are going to discuss about the dilution of solution, that how we can dilute a solution. If you have a concentrated solution, तो आप एक concentrated solution से एक dilute solution कैसे बना सकते हैं? Common सी बात है, किसी भी dilute solution से आप concentrated तो नहीं बना सकते, but you have a concentrated solution, तो आप उसे dilute कर सकते हैं उसमें और solvent add करके. So देखते हैं कि आप कर कैसे सकते हैं. इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है. इसका फॉर्मूला होता है M1V1 is equals to M2V2. M रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को और V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को. आपको एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता होना चाहिए, यानी कि एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, क्योंकि मोलैरिटी कंसंट्रेशन का यूनिट है. M1V1 हम कह देते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, और M2V2 हम कह देते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं. M2V2 कह दीजिए डाइल्यूट सॉल्यूशन को, और M1V1 कह दीजिए आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. अब मैं आपसे कह रही हूं कि अगर आपको एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है, तो आप अपनी चॉइस का, अपनी मर्जी का, जितने मर्जी मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं आप आराम से बना सकते हैं. अब मेरे पास एक बीकर है, और मेरे पास उस बीकर में 2 मोलर सॉल्यूशन मौजूद है, और मैं चाहती हूँ कि ये 2 मोलर ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, बहुत ज्यादा थिक है, तो मैं 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना चाहती हूँ. तो 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है मैंने 2 मोलर में. अब ये बीकर में 2 मोलर का सॉल्यूशन है. अब मुझे 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है. अब मुझे इसका कितना वॉल्यूम लेना चाहिए, ये बात सोचने वाली है, ठीक है, कि मुझे इसका वॉल्यूम कितना लेना है. इज इट क्लियर? टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही. बेटा अब आ रही है आवाज? यस आ रही है. ओके आ रही है. तो 2 मोलर का कंसंट्रेटेड सा सॉल्यूशन है, और मुझे उससे प्रिपेयर करना है 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है. अब मुझे इसका कितना वॉल्यूम लेना चाहिए और कितने मेजरिंग फ्लास्क में लेना चाहिए, ये बात है जेरे और ये बात है अटेंशन वाली, ये बात है सोचने वाली. सो लेट्स सी. मैंने लिया एक मेजरिंग फ्लास्क, और उस मेजरिंग फ्लास्क पे ग्रेजुएशन है, मार्किंग हुई भी है 100 सेंटीमीटर क्यूब की. ये 50 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है. मैंने एक ऐसा मेजरिंग फ्लास्क लिया है जिसके ऊपर 100 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, यानी कि 100 ml, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर होता है. मैंने अब ये फ्लास्क ले लिया, मेरे पास है 2 मोलर सॉल्यूशन, मैंने उसका 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है. अब मुझे इस 2 मोलर सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लेकर इसके अंदर डालना है, और फिर वॉल्यूम मेकअप करना है 100 तक कि 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाए. अब मैं इसका कितना वॉल्यूम लूं कि इसका 2 मोलर का कितना वॉल्यूम लूं कि ये 1 मोलर बन जाए, ये बात है सोचने वाली. इसी तरह जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में आपको 0.1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है. कितने का बनाना है? 0.1 नहीं, यहाँ मेंशन है बल्कि 2 m2, यानी कि 0.02 का बनाना है. और किस में से बनाना है? 0.1 में से बनाना है. मैं आपको कह रही हूँ 2 में से 1 बना लें, और आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो कह रहे हैं 0.1 मोलर का सॉल्यूशन है, उससे 0.01 का बना लें. आपको पता है 0.01 छोटी वैल्यू होती है और 0.1 बड़ी वैल्यू, तो ये बनाने को कह रहे हैं. और कह रहे हैं कि 100 ml के मेजरिंग फ्लास्क में बना लें. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने वॉल्यूम कितना लेना है, आपने पाइपेट से, एक पाइपेट होती है जो एक्यूरेट रीडिंग देती है, बारीक सी ट्यूब सी होती है, उसके ऊपर ग्रेजुएशन होती है. तो यहाँ आप सक्शन पंप लगाकर, यहाँ पर सक्शन पंप लगा सकते हैं या माउथ से भी सक कर सकते हैं. तो लैब्स में सेफ्टी के लिए सक्शन पंप से करें तो अच्छा है, लेकिन आप माउथ से भी सक करके
वॉल्यूम यहाँ तक लाकर कि जितना वॉल्यूम चाहिए और उसके बाद इसमें पोर कर सकते हैं। अब वॉल्यूम चाहिए कितना मिस, तो अब आपने फॉर्मूला यूज करना है वॉल्यूम जानने के लिए। इफ यू वॉन्ट टू नो कि वॉल्यूम कितना होगा, यू हैव टू यूज अ फॉर्मूला। मैंने आपसे कहा 0.1 मोलर से ये एम वन कह दीजिए, 0.01 मोलर बनाना है इसे एम टू कह दें, क्योंकि एम टू डाइल्यूट सोल्यूशन होता है और एम वन कंसनट्रेटेड होता है। बनाना कितने में है, 100 ml में, तो 100 ml ये वॉल्यूम टू है जो बाद में बनेगा। तो अब आपको वॉल्यूम वन नहीं पता, वॉल्यूम वन किसका है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का, ये आपने जानना है। तो फॉर्मूला है एम वन बी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू। हमें कैलकुलेट, हमें जानना है वी वन, वी वॉन्ट टू नो अबाउट द वी वन, दैट द वैल्यू ऑफ द वी वन इज वॉट। तो एम वन वी वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो एम वी वन आप यही रहने दीजिए, इसे यहाँ वी वन, और एम वन को यहाँ से यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, एम टू वी टू डिवाइडेड बाई एम वन। कोई कंफ्यूजन? नो मिस। ओके, M1 की, M2 की वैल्यू है 0.01, तो लिख लीजिए M1 is 0.01, M2 is 100, तो 100 लिख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए M1 से, M1 कितना है 0.01, तो 0.01 M1 लिख दीजिए। अब कैलकुलेटर ले लीजिए आप सब और इसे कीजिए कैलकुलेट, 0.01 मल्टीप्लाई कीजिए 100 से और इसे डिवाइड कर दीजिए 0.1 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो इसका मतलब है कि पाइपेट में आपने कितना लेना है वॉल्यूम कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन का, 10 मिलीलीटर, 10 ml। तो आपने पाइपेट से 10 ml मेजर करना है और उस 10 ml को इस फ्लास्क में डाल देना है। इस फ्लास्क में 10 ml जो आपने डाला हुआ है, दैट इज 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन का। डालने के बाद अब इसमें डाल दीजिए पानी और पानी मार्क तक डालेंगे। पानी जब आप मार्क तक डाल देंगे तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा 100 ml का। 100 ml का सॉल्यूशन बन जाएगा, मोलैरिटी उसकी होगी 0.01। किसी को कोई कंफ्यूजन? लेकिन बुक में तो उन्होंने सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है। ml is equals to सेंटीमीटर क्यूब बताया था बेटे। ओके मिस, बताया था ना ml जो है वो सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं ml नहीं लिखती, चलें मैं आपके लिए यहाँ मैं लिख देती हूँ 10 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब लिख लें, ठीक है, दोनों इक्वल है। सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एम एल, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं, आगे इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपने वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना हो, आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए भी कह सकते हैं। तो कैसे करना है, आपने बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्या कैलकुलेट करना है और क्या गिवन है। तो क्वेश्चन देखिए, हम एग्जांपल करने जा रहे हैं 6.4। अब अपने माइंड में ना सारा अपरेटस रखें और किसको किसमें डालना है और क्या करना है सब माइंड में होना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं 10 cm³ ऑफ 0.01 मोलर KMnO4, KMnO4 की मोलैरिटी बता दी है और वो है 0.01 और इसका वॉल्यूम भी बता दिया है 10 cm³। सॉल्यूशन हैज बीन डाइल्यूटेड, इसका मतलब है ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड था तभी तो डाइल्यूट किया है। अब ये इंग्लिश की स्टेटमेंट्स भी समझ नहीं आनी चाहिए, हैज बीन डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड हो गया ना वो, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इज एम वन, दिस इज वी वन, डाइल्यूटेड टू 100 cm³, यानी कि V2 जो वॉल्यूम 2 है वो आपका है
100 सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी कि आपने एम टू कैलकुलेट करना है. डेटा समझने में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मिस. ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं फॉर्मूला. वी वन एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू. मैंने आपको बताया था एम वन वी वन, आप इसे कंसेंट्रेटेड कह दिया करें कि कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है. आप चेंज भी कर सकते हैं, आप एम टू वी टू को कंसेंट्रेटेड कह सकते हैं इसे डाइल्यूट. लेकिन आप एक चीज याद इसी तरह कर लें तो हमेशा आप इसी तरह लिखेंगे और गलती नहीं. एम वन वी वन गिवेन है, एम वन है 0.01 और वी वन है 10. ठीक है, एम टू आपने कैलकुलेट करना है और वी टू है 100. 100 एम टू के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा. 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू एम टू. तो आप इसे कैलकुलेटर में करके देख लीजिए, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 इट विल बी 1 raised to the power -3. अब कैलकुलेटर में आपके इस तरह रीडिंग आ जाएगी, 1 exponent -3 molar. ये कंसेंट्रेशन आएगी. कंफ्यूज नहीं होना कि मिस बुक में तो ये आंसर है. आपने अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स फिजिक्स में पढ़े हो कि ये आप डेसिमल की वैल्यू 10 की पावर की वैल्यूज कैसे चेंज करते हैं तो आपको पता होगा माइनस थ्री. ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ये चीजें आप सीखते हैं. तो 1 10 raised to the power -3 का मतलब है कि 1 के साथ यहाँ पर पॉइंट है, तो माइनस का मतलब है कि आपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करना है. ठीक है, तो 3 है, 3 का मतलब है ये 1 ये 2 और ये 3. 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा. तो यहाँ से पॉइंट अगर मैं हटाकर ये पावर खत्म करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से पॉइंट रिमूव करूंगी और यहाँ लगा दूंगी. पॉइंट से पहले हम जीरो इसलिए लगाते हैं ताकि पॉइंट नजर आए. अगर मैं कॉपी में इस तरह लिख दूंगी 001 तो पॉइंट मिस हो जाएगा. तो पॉइंट से पहले जीरो हम लगा देते हैं ताकि हमें ये पॉइंट नजर आए. तो आप ये इस तरह भी लिख सकते हैं. ठीक है, थोड़ी सी फिजिक्स भी आपको बता दी है, कैलकुलेशन समझ आ गई? यस मिस. पेपर में अगर कैलकुलेटर में आपकी ये वैल्यू आती है और आप इसी तरह लिख देंगे तो भी आंसर गलत नहीं होगा. लेकिन आप चाहते हैं कि जिस तरह के यूनिट्स में आपसे पहले वैल्यू दी हुई है, जैसे ये दी हुई है 0.01, इसका मतलब था 1 10 raised to the power -2. ठीक है, माइनस टू से आप गए हैं माइनस थ्री में, तो डाइल्यूट हुआ सोल्यूशन. तो आप इस तरह लिखा होता तो भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी. आपका इस तरह से लिखा हुआ है, पावर में नहीं लिखी हुई वैल्यू, डेसिमल्स में लिखी है, तो आप अपना आंसर भी डेसिमल्स में चेंज कर लें. दोनों आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? किसी को? नो मिस. ओके, अब आपकी एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 6. यस मिस, हो जाएगा. ओके मिस, हो जाएगा.